मेजर प्रॉब्लम ये थी, बायोमेट्रिक तो था बट वो ब्लॉक्ड हो गया, अब बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। बायोमेट्रिक ऐसा बोलते हैं कि उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं कि अगर कि आप सेफ रहेगा कि उसके अलावा कोई एंट्री नहीं कर सकता, तो उसके फायदे के साथ साथ इतने ज्यादा नुकसान हैं कि जो कि कभी भी हो सकता है। जो कल इंसिडेंट हुआ है ना, उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम ये थी, बायोमेट्रिक तो था बट वो ब्लॉक्ड हो गया, अब बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन ये इंसिडेंट को मतलब हम बच सकते थे इससे। एक प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस लेन है ना, बैक साइड में जितने भी बिल्डिंग्स बड़ी हैं उसमें सर्विस लेन है, वहाँ पे कोई एग्जिट नहीं है। इन केस अगर बायोमेट्रिक तुमने लगा रखा है हमारी सेफ्टी के लिए, वो ठीक है, बट यही हमारी सेफ्टी एक सबसे बड़ा कंसर्न बन गया था इस इंसिडेंट में। तो मेरा ये मतलब कंसर्न था कि अगर कोई किसी बिल्डिंग में कोई बालकनी नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है, और एंट्री एग्जिट एक बायोमेट्रिक से कंट्रोल होता है, तो अगर वो बायोमेट्रिक खराब हो जाता है तो हमारी लाइफ का या फिर हमारी किसी चीज का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बायोमेट्रिक लगाओ, लेकिन साथ में अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। बेस्ट अल्टरनेटिव ये है कि जो सर्विस लेने या जो बैक साइड है बिल्डिंग का, वहाँ पे एक ना एक तो एग्जिट पॉइंट होना ही चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऐसा नहीं है? यहाँ पे मोस्टली जो सर्विस लेन है वहाँ पे एग्जिट पॉइंट नहीं है। जैसे जो इफ़ आई टेक द नेम राव IS, जो कल जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहाँ पे यही सबसे बड़ा इशू था कि वहाँ पे एग्जिट सर्विस लेन में एग्जिट नहीं था। हम सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है? ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से समाधान होगा।